जो गवर्नमेंट तरफ से क्रिएट किया गया है वैकेंसी छुपा के रखी गई तो उसको पूरी डिग्री बनाना चाहती थी गवर्नमेंट 2024 में। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि हिंदी और नॉन अर्बन नॉन इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है पिछले 10 सालों में वो उसके लिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने बोला था कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए और उसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करे। गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में कमेटी नहीं बनाई है आज तक, मतलब कि पैटर्न चेंज होने के बाद गवर्नमेंट ने ये जरूरी समझा कि उस पैटर्न का इम्पैक्ट क्या पड़ा है नॉन इंग्लिश और नॉन अर्बन एरिया के लोगों को। और दूसरी बात क्या है, एक तो बात ये है कि ये लैटरल एंट्री बिल्कुल मुद्दा है, लैटरल एंट्री बिल्कुल मुद्दा है। दूसरा और क्या मुद्दा है, पासवान कमेटी क्या कहता है, और एज कम करो, लड़कों का एज कम करो, अटेम्प्ट कम करो। मोदी जी अगर ये चुनाव जीतते हैं शायद इस चीज को लागू करेंगे, वो अभी चुनावी साल है, अगर हम अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद हो सकता है भविष्य में पासवान कमेटी की कोर्ट भी रिकमेंड हो जाए उसमें, और ये हम सब लोगों के लिए डेथ नेल होगा कि अगर पासवान कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाती है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे, उस पे कोविड की मार, कहां छात्र कहां जाए, आप इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए इसलिए नहीं आते हैं कि आप पकौड़ा बेचेंगे। सरकार का ये कहना है कि पकौड़ा बेचना भी अपने आप में एम्प्लॉयमेंट है, नहीं है साहब, हम अपने लिए एक चाहते हैं, हम सुकून की जिंदगी जिए, हम अपने सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हैं। ये हमारे पिताजी ने, हमारे घर वालों ने ये सपना नहीं देखा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर पकौड़ा बेचे और उसको भी आप एम्प्लॉयमेंट सीजन का नाम देते हैं। नहीं साहब ये बात नहीं है, हम यहाँ आईएएस बनने आए, हम यहाँ पीसीएस अधिकारी बनने आए, हम वही बन के जाएंगे। लेकिन आप अगर उस अपॉर्चुनिटीज में कमी करेंगे तो छात्र जाए तो जाए कहाँ, आवाज उठाने के खिलाफ कोई और रास्ता नहीं बचता है हम लोगों के खिलाफ। बहुत कह सुन लिया, श्री राम जी भी 7 दिन बैठे रहते हैं सिंधु किनारे, लेकिन जब बात नहीं मानते उनको भी अपनी तीर निकालनी होती है। तो वही बात है, बहुत मान मनोमत कर लिया हम लोगों ने, फेयर कर लिया, पिटीशन कर लिया प्रोटेस्ट की बात। इस बार मैं इतना कहना चाहूंगा, 1.5 महीने पहले हम लोग आए थे बच्चे यहाँ पे, पहले एक रजिस्टर और एक फॉर्म लेके आए थे, कुछ लोग अगर याद कर पा रहे हो तो मैं उन लोगों से जानना चाहूंगा जिन्होंने फॉर्म भरा था, अपना एक बार हाथ उठाएंगे आप लोग प्लीज। 1.5 महीने पहले हम लोग इसी इशू पे लेके आए थे, तो हम लोगों ने एक रजिस्टर और एक फॉर्म भरवाया था, रजिस्टर पे सपोर्ट मांग रहे थे, फॉर्म में आपका पार्टिसिपेशन मांग रहे थे। फॉर्म वाले लोग प्लीज अपना एक बार नाम लिखेंगे और आप लोगों का कॉल हुआ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पास तो 2 या 3 अटेम्प्ट अभी बचे हुए हैं तो हम क्यों इस चक्कर में पड़ने जाएं, हम अपनी तैयारी करें चुपचाप बैठ करके। तो देखिए इस मुगालते में मत रहिए, यदि लोग आपसे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप हो रहा है तो आपकी भी बारी गिनाएगी। अगर 2-3 अटेम्प्ट आपके निकल गए, आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ आइए, 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हम आपको दिलवाएंगे, ताकि हिंदी मीडियम में अगर आपके पास अटेम्प्ट ज्यादा होंगे तो हो सकता है लड़खड़ाते लड़खड़ाते आप इंडियन मुकाम पर पहुंच जाए। हिंदी मीडियम का रिजल्ट है आप देख लीजिए, 300 साढ़े 300 फॉर्म के बाद कोई एक आध हिंदी मीडियम का दिख जाए तो दिख जाए, तो ऐसे में तो आईएएस और आईपीएस का सपना तो आप भूल ही जाइए कि आईएएस आईपीएस आपको मिलेगा। ऊपर से 2017 के बाद सीसेट के पेपर को इतना टफ किया जा रहा है कि हिंदी मीडियम के लोग मतलब दूरबीन लगाने के बाद नहीं मिल रहे हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में ही आप फेल हो जा रहे हैं तो फाइनल में आप कहां से होंगे। और ये जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं ये सब संसदीय समिति की रिपोर्ट में है, आप लोग यूपीएससी के छात्र हैं, जागरूक जनता है, तो केवल आपका ये दायित्व तो नहीं है कि आप केवल किताबी बातें करें और किताब में उलझे रहें, कुछ रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। आप गूगल में जाइए, सर्च करिए राज्यसभा की जो समिति है डीओपीटी से रिलेटेड, उसकी जो 112वीं रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आप लोग पढ़िए कि उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये इन सारी बातों को हम एक शामिल करके और सरकार के सामने रखें प्रोटेस्ट के माध्यम से, और सरकार उन सबको लागू करे। समिति कहती है कि 2010 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ है इससे अलग अलग भाषा के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्बन लोगों पर क्या, ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका आकलन करने के लिए सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए, लेकिन सरकार नहीं बना रही है। तो इन सारे मुद्दों को हम शामिल कर रहे हैं, आप लोग केवल हमसे जुड़िए, बिना आपके जुड़े ये नहीं होने वाला है, क्योंकि मुद्दा आपका है, आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम केवल इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम भी आपकी तरह छात्र हैं, हमें भी यूपीएससी का मेंस लिखना है, हमें भी यूपीपीसीएस लिखना है, लेकिन हम लोग आपके बीच आए हैं कि आपका साथ मिले तो हमको यूपीएससी में 2 और अटेम्प्ट मिल जाएंगे, आयु सीमा में छूट मिलेगी, तो कोरोना से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकेगी। सीसेट का जो आंदोलन हुआ था 2014 में तो क्या उससे जो फायदा मिला वो सबको नहीं मिला, सबको मिला, आज तक मिल रहा है ना, तो एक बार आप लोग जुड़िए,
आपका यदि 4 अटेम्प्ट बचा है, 2 और मिल जाएगा तो 6 हो जाएंगे, क्या हानि है इसमें। तो आप और थोड़ा इत्मीनान से तैयारी करेंगे कि चलो मेरे पास 6 है, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 चौथा में तो हो ही जाएगा। तो आप लोग प्लीज जुड़िए, दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि जुड़िए और इस मुहिम को सफल बनाइए। थैंक यू।